बहराइच में आज निम्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट बहराइच सौंपा। उनका कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र संगठन होने के साथ साथ जन संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी क्रम में आज बहराइच नगर की जन समस्याओं को लेकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उनकी मांग है कि बहराइच जिले के अनुसूचित जनजाति छात्रावास व्यवस्था सुरक्षित करें। छात्रावास बुरी तरह जर्जर है। बहराइच नगर में महादेव तालाब पर हो रहे लगातार अवैध कब्जे रूप से कब्जे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे तालाब संरक्षण अभियान की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहा है। स्थानीय प्रशासन की सांठगांठ उस तालाब को विलुप्त होते हुए देखा जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे तालाब संरक्षण के अंतर्गत महादेव तालाब को सुरक्षित किया जाए। प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर स्टील जंग तालाब विद्यालय पर आज तत्व द्वारा कब्जा कर लिया गया है। कब्जा हटवाया जाए और बहराइच नगर में बारिश के समय जल भराव की समस्या है। नालों की सफाई के नाम पर नाला पूर्ति कर नगर पालिका सरकार के खजाने को लूट रहा है। रजत सिंह रायकवार नाम है, विभाग संयोजक हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जनपद बहराइच। आज आप लोग ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया है, एक ज्ञापन भी नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा है, क्या मांगे हैं आपकी, क्या कहना है? जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है, छात्र संगठन होने के नाते समाज और छात्रों की समस्याओं के लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा आवाज़ उठाती रही है। इसी क्रम में हम लोगों ने आज चार विषय को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और प्रदर्शन किया। इसमें नंबर एक मांग ये है, बहराइच जनपद में अनुसूचित जनजाति के छात्रावास चल रहे हैं जिन जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, उनकी मरम्मत कराई जाए और उसमें जो ST या जनजातीय छात्र हैं उनको अलाट किया जाए, उनके रहने की व्यवस्था कराई जाए। और दूसरा विषय ये है, बहराइच जनपद में थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, इसके लिए नगर पालिका हमेशा बस पैसों का लूटपाट करती है, धरातल पर कोई कार्य नहीं करती। नंबर तीसरा ये है, अभी महादेवा तालाब करके एक है, उसके उसकी जो सरकार की जो वो मंशा है तालाब संरक्षण के लिए, वो बहराइच जनपद में कहीं नहीं दिख रही है। सारे तालाब ऐसे जलमग्न पड़े हैं, उनमें ना कुछ हो रहा ना कुछ, बस पैसे निकाले जा रहे हैं। नंबर तीसरा, अकबरपुरा में प्राथमिक विद्यालय में अवैध रूप से कुछ लोग कब्जा अराजक तत्व कब्जा किए रह रहे हैं, तत्काल प्रभाव से उनको खाली कराया। इसी